अपनी टीम के साथ मिलकर स्वागत करता हूं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर कैलो जी, आप सबके यहां के प्यारे दुलारे काउंसलर विकास जी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी गुरिंदर जी, पंजाब कांग्रेस के हमारे जो फेमस बुलारे हैं नरेंद्र संधु जी, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल के सभी सदस्य, आज पंजाब में हम ये बताने आए हैं कि 10 साल पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जितनी खुशहाली देखी थी, जितना यहाँ काम हुआ वो एक तरफ है, और आज जो वर्तमान की झूठी सरकार है उसमें जो बदहाली हुई है, जवान की, किसान की, नौजवान की, बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के साथ जो हो रहा है, आप सबके सामने है कि 2014 की जो सरकार है, जो आज गारंटी की बात करती है, उसकी गारंटी एक ही चीज में है। सामाजिक रूप से भी झूठ बोलने में गारंटी है, आर्थिक रूप से भी झूठ बोलने की गारंटी है, और देश के बॉर्डरों पर क्या चल रहा है उसके बारे में भी झूठ बोलने की गारंटी का नाम कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें केवल झूठ की गारंटी दी जाती है। आपको कहा गया नौजवानों को कि आपको गारंटी के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हालात ये है कि आज तक रोजगार 2 करोड़ 10 साल में नहीं दिए, जहां की 1 साल की बात थी। कहा गया कि आप कैशलेस बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये होगा, आज अगर 1,000 रुपये से कम है तो बैंक आप पर फाइन लगा देता है। इसलिए व्यक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर इस देश में बदहाल किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में किया जा रहा है। आज किसान बात करना चाहता है, किस बात की? जो वादा नरेंद्र मोदी जो आज गारंटी की बात करता है, उसने गारंटी दी थी कि जब मैं हमारी सरकार आए तो हम गारंटी देंगे कि एमएसपी लागू होगा। वो खुद उस डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही कहा था कि एमएसपी लागू की जाए। आज किससे पूछना है, किससे जानना है उन्हें? आज गारंटी, एक मिनट में माफी चाहूंगा, पंजाब के किसान के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या लोकतांत्रिक देश में कोई व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है? अपने देश के लोगों को रोका जाए, वो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, संविधान में अधिकार है उनको, किसी से भीख नहीं मांग रहे दिल्ली जाने के, राइट टू मूवमेंट एक व्यक्ति का अधिकार है। तो हर आदमी को जब चलने का, घूमने फिरने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है, तो मोदी और मोदी की हरियाणा सरकार उन्हें क्यों रोक रही? किसी के पास जवाब नहीं है। मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मुझे मौका मिला नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के रूप में काम करने का, तो मैंने पिछली बार जब किसान आंदोलन था तो सरकार से पूछा था कि एनएचआरसी से पूछा था कि आप बताएं कि आपने रोड किसकी परमिशन से इनको बैरिकेड लगाए हैं, किसने आपको परमिशन दी कि आप गड्ढे कर दें? तो एनएचआरसी की तरफ से, वो हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कहा, हम उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं फिर पूछ रहा हूं आपके इस मंच से कि बताए सरकार कि किस फंड के तहत उन्होंने ये बैरिकेटिंग लगाई है, कहां से उनको परमिशन मिली कि आप देश के लोगों को रोक दे? पहली बार हो रहा है देश में लोगों को घूमने चलने फिरने के लिए रोकने का काम कोई कर रहा है तो भारत सरकार कर रही है, या उसके उसकी डायरेक्शंस पर हरियाणा सरकार कर रही है। पंजाब के किसानों का क्या उसमें गलती है कि वो अपनी मांग को लेके जा रहे हैं? इसी सरकार ने फैसला किया था, इसी सरकार ने कहा था कि हम बात करेंगे। पिछले 2 साल में कितनी मीटिंग्स की, आज देश जानना चाह रहा है। और आज देश के किसानों को बदनाम करने के लिए कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, संवाद ही समाधान है।
मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से झूठे वादों की वजह से आज किसान सड़कों पर मजबूर है। तो देश में झूठ की गारंटी कोई है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री की मोदी सरकार झूठ की गारंटी है। इसीलिए हम कहते हैं ये 10 साल जो है वो बदहाल हुआ है देश, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था वो इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। देश के जवान पर अन्याय, देश के किसान पर अन्याय, देश के मजदूरों पर अन्याय। हर व्यक्ति को जब मिनिमम वेजेस मजदूरों के लिए है तो किसान मिनिमम वेजेस के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो मांग रहा है, वो इसको देने में दिक्कत क्या है। बस आप लोगों को ये कहना है कि जो सरकार वर्तमान की है वो केवल झूठ की गारंटी है। धन्यवाद। कोई सवाल जवाब नहीं, आपको कुछ है तो, नहीं तो मैं पहले भी कहा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बता रही है भाजपा इसको, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन कभी भी सिर पे आ सकते हैं तो बोला जा रहा है इसके पीछे किसानों के जो पीछे है वो पॉलिटिकल पार्टी। हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है, क्या किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी या हर राजनीतिक पार्टी ने, किसानों के आगुओं ने कहा हम राजनीतिक लोगों को यहां नहीं देखना चाहते, क्या उनके साथ हम कहीं वैसे, अगर हम अपने दिल से उनका सहयोग क्योंकि उनकी जायज मांग के साथ खड़ा होना, जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं जा रहा है, किसान आगू ही आगे चल रहे हैं, कोई भी कहीं कुछ नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पहले प्रदर्शन होते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो मंच से कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं, हम तो कह रहे हैं कि किसानों की आप जायज मांग कर लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप केवल किसान आगुओं से बात करो, किसान जितने आंदोलनकारी है उनको सेटिस्फाई कर दो। कांग्रेस पार्टी, हाँ, किसानों की जायज पार्टी के जायज मांग के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपने हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने कितने काम देखे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, उससे सबको फायदा था, राइट टू फूड सिक्योरिटी हमने दिया। तो हर गरीब के लिए सोचना ही सरकार का काम है। भाखड़ा नांगल डैम बिजली के साथ साथ सिंचाई में भी काम है। आज इंदिरा गांधी परियोजना आपके सतलुज और व्यास के पानी से ही चल रही है। अगर ये सब सोचना ही तो सरकारों का काम, राजनीतिक हल राजनीतिक है, क्योंकि सत्ता के लोगों को ही फैसला करना है। वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसको फैसला करना है। पर भाजपा बोल रही है हमने 10 सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, आप बोल रहे 10 साल में अन्याय हुआ है, आप वो उल्ट बोल रहे हैं। आप सब ये बताओ, जब 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा थी या नहीं थी? हर आदमी नई चीज खरीद रहा था, हर चीज आगे जा रहा था, इस 10 साल में उसका सब कुछ बिकता जा रहा है, तो बिकते हुए लोगों का विश्व गुरु कब से बनने लगे? आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस का क्या एजेंडा है बीइंग अमृतसर? देखो, अमृतसर के लिए जो भी एजेंडा है वो पंजाब कांग्रेस कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। मैं तो यही कह सकता हूं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ जवान, किसान और बेरोजगार सब खड़े हुए हैं, तो हम सबको मिलके उनके लिए क्या अच्छा कर सकता है उस व्यक्ति को आगे भेजना चाहिए। लोकल लेवल पे लोग आज भी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, लाइक कॉर्पोरेशंस का भी दिक्कत है, कहीं सीवेज का, कभी कहीं गार्बेज का, इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या देना चाह रही है जनता को? देखिए, मैं एक विधि का विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये गार्बेज वाला इशू नगर निगम का इशू है। हाँ, इसका उत्तर सबसे अच्छे तरह से मेयर देगा। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। बात नहीं है, पिछली बार जो भाजपा बोलती थी 300 के पास, इस बार भाजपा बोल रही है 400 के पास, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए कि कोई ना कोई उनको कुछ गड़बड़ का, मैं आज ये आरोप नहीं लगाना चाह रहा, पर सच्चाई है कि इस देश का किसान भी जवान भी सब चाहते हैं ईवीएम को छोड़कर बैलेट पे करें। अगर वो ईवीएम पे जीत सकते हैं तो बैलेट पे क्यों नहीं जीत सकते, अगर उनके साथ लोग हैं। हमारी तो आपके मन से ये भी मांग को मैं, इस देश में आज शंका है
कि ईवीएम पे गड़बड़ है, मैं ये नहीं मानता गड़बड़ है यानी, वो शंका को दूर हो जाएगा बैलेट पे इलेक्शन कर लो। डिमांड कर रहा है कि आप वो करो कि हमसे मिलो, इलेक्शन कमीशन टाइम ही नहीं दे रहा, फिर टाइम मांग रहे हम इलेक्शन कमीशन को, कह रहे हैं कि टाइम दो। देश में आज पूरा इंडिया अलायंस का ये मानना है कि लोगों को डिमांड है आपकी या इसके आगे भी कोई रणनीति तैयार की है? हम बिल्कुल इस पे लड़ते रहेंगे क्योंकि इलेक्शन का मेन मकसद क्या होता है, फ्री एंड फेयर। डिमांड कर रहे हैं देश के किसान, डिमांड कर रहे हैं देश के नौजवान, डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें शक है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ पंजाब में ईवीएम की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर क्या मना कर रहे हैं? ये थोड़ा भी हर जगह हाँ? बीजेपी की सरकार नहीं, बनी है। आप शंका को दूर करेंगे या नहीं करेंगे? ईवीएम की बात होती तब होती है। हमने, मुझे लग रहा है कि आप दूध में पानी मिला, शंका अपनी दूर कैसे करूंगा? अगर सरकारें उस पर बन जाएंगी क्या दिक्कत है? वोटर तो वही है ना जो ईवीएम पे डालेगा वही। 2004 से 10 के टाइम का समय देखे, इस देश में ऑप्शंस बढ़ने लगे थे, में स्टूडेंट को छोड़ के बिजनेसमैन भी जाने लगा, तो अब सोच लो कि एनवायरमेंट क्या है, इन्होंने एनवायरमेंट खराब किया है। बच्चा आज जो हालात हो रखे हैं उसके खिलाफ है ना, कौन चाहता है कि आप धार्मिक आधार पर आपस में बट जाओ? इसीलिए राहुल जी जो उनका नारा भी है और वो हम इसी पर है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मिलकर रहना है। नफरत पहले ही हम गाते थे ना, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुलसिता कब मिलता है? अलग अलग फूलों से गुलदस्ता बनता है ना, तो वो जो बागान गुलदस्ता वो खराब होता जा रहा है उसको ठीक करने का काम कांग्रेस का हर वर्कर कर रहा है। कांग्रेस के हर वर्कर की निशानी ये है कि वो धर्म जाति और किसी के साथ पर भेदभाव ना करें। और आज जैसा हो रहा है, अगर आप फिर भी आंख मीचना चाहें तो, क्योंकि आप, हम चार पिलर हैं डेमोक्रेसी में, आप उसके एक मजबूत पिलर हैं जैसे इसकी तरह, बस आपसे यही है कि आप जागरूकता लाएं। क्योंकि 2014 से पहले किसी ने सुना था क्या मनमोहन मीडिया, कोई बोलता था क्या? ये पहली बार क्यों हुआ ऐसा कि देश में मोदी मीडिया कहने लगा है, गोदी मीडिया कहने लगा है? तो यही सच्चाई है कि आज उन्होंने देश को बांट दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं 10 साल अन्याय काल।